Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about slicing of array in Python programming basically. Although we have already discussed little bit about slicing when we were talking about strings in Python programming. So aap chahe to use meri playlist Python programming jo bani hui hai mere channel mein wahan ja ke aap dekh sakte. But aaj hum baat kar rahe hain slicing ki again with array. So the meaning of slicing is all about retrieving, I mean in general slicing ka matlab hota hai पीसेस. और पीसेस की जब हम बात करते हैं, कोई आपके पास एक चंक ऑफ आइटम है, चंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको निकालना है, यूज करना है, सो दैट टाइम वी कैन यूज व्हाट स्लाइसिंग ऑफ एरे, और दैट इज कॉल्ड एक्चुअली स्लाइसिंग. सो इन स्लाइसिंग ऑफ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्लाइसिंग ऑफ एरे, इसका मतलब ये हो जाता है कि रिट्रीविंग स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम गिवन एरे, कि आपके पास एक एरे है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा अगर आपको चाहिए, तो फॉर दैट वी कैन यूज व्हाट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग. एंड एरे का जब हम बात करते हैं, एरे का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा आइटम्स. तो आपके पास बहुत सारे डेटाज हैं, उनमें से कुछ स्पेसिफिक अगर आपको निकालना है, तो आप स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में, तो इसका जो बेसिक सिंटेक्स है, दैट इज ऑल अबाउट, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में कि एरे का नाम आप लेते हैं और उसका जो डेलिमीटर होता है, दैट इज स्क्वेयर ब्रैकेट, उसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा किस पर्टिकुलर पोजीशन से आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, दैट इज स्टार्ट पॉइंट, और कहां पे जाके उसे एंड करना है, दैट इज योर एंड पॉइंट. लाइक आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, उसके बाद हमने एंड पॉइंट लिया, स्पेसिफाई करेंगे जहां एंड होगा, प्लस कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में से जंप करके, इन द सेंस कि हमने 0 से 6 तक के आइटम्स को देखना है, बट हमें 0 वाला चाहिए, 2 वाला चाहिए और 4 वाला चाहिए और 6 वाला, ऑल्टरनेट डेटा आइटम हमें एक्सेस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. सो वी कैन डिफाइन द स्टेप्स लाइक 2, राइट. अगर बट इट इज ऑप्शनल, स्टेप्स को हम ऑप्शनल रखते हैं, अगर ये कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लेना ही है, बाई डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज सेट टू 1. सो ये हम देखते हैं आज एग्जाम्पल के थ्रू. बट उससे पहले आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि इट्स ऑल अबाउट इंडेक्सेस, ठीक है, कि जब हमें एरे के माफ कीजिए एरे को यूज करना है और उसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम उसकी इंडेक्स को लेके वर्कआउट करते हैं. तो 2 मिनट में आपको जरा सा इंडेक्स के बारे में बता दूं कि जब हम एरे यूज करते हैं तो उसका जो इंडेक्स है वो क्या होता है. ऑल्दो मुझे पता है आप सब जानते हैं इसके बारे में, बट जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, दिस इज माई एरे सपोज, तो आप देखिए कि इसकी ऑब्वियसली इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है एंड 1 by 1 ये इंक्रीमेंट होती है अप टू द मैक्सिमम साइज, एज यू कैन सी हियर. सो दिस इज व्हाट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वी कैन से. एंड सिमिलरली पाइथन सपोर्ट्स रिवर्स इंडेक्सिंग एज वेल. सो उसमें क्या होता है कि यू कैन सी कि आप राइट टू लेफ्ट और यू कैन से एंड जो वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू, वहां से भी आप इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. सो यू सी हियर की दिस इज योर फॉरवर्ड यू कैन से एंड दिस इज वॉट योर रिवर्स इंडेक्सिंग. सो ऑब्वियसली जब हम रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो जो फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट होता है, दैट कैन बी कंसिडर्ड, और उसकी इंडेक्स वैल्यू को हम -1 कंसिडर करते हैं, दैट इज योर -2 एंड सो ऑन. सो ये फीचर यूज करके भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं. तो अब मैं जल्दी से आ जाता हूं पाइथन शेल पे और वहां पे हम सीधे सीधे अब अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो आइए देखते हैं. नाउ इसी हमने पाइथन शेल ओपन कर लिया है, मैं सीधे सीधे इसमें एक कोड लिखता हूं, एक एरे को यूज करता हूं सबसे पहले. तो ऑब्वियसली मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले एरे. सो मैं इस क्लास को इम्पोर्ट करता हूं एज व्हाट एआरआर, एंड देन मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूं लाइक ए डॉट एआरआर डॉट एरे. एंड ऑब्वियसली इसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसका टाइप कोड, और वी कैन से व्हाट इट्स डेटा टाइप. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज इंटीजर एंड जस्ट ब्लैंक भी हम ले सकते हैं, बट टू सेव द टाइम जस्ट डायरेक्टली असाइनिंग द वैल्यूज लाइक 4, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 23, and 43, right? So these are the values I have stored in the array. And now I want to display them. So just for a while मैं इसको check कर लेता हूँ it is working or not. So मैं print कर देता हूँ किसे A को. Now you see what happens. So मैं जल्दी से इसे run करता हूँ. It will ask you to save the data. So मैं इसका नाम दे देता हूँ like access.py. So जो भी है सेव कर देते हैं, ओवरराइट करते हैं. सो इट इज वर्किंग प्रॉपरली, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर एंड एक्सेप्ट और प्रिंट डिस्प्ले वैल्यूज. नाउ द थिंग इज दैट कि हमको वैल्यू को स्लाइस करना है. तो स्लाइस करना है तो अगर मैं यहां पे इसे कुछ ऐसा लिख के देखूं,
तो क्या होता है जरा देखते हैं हम. यू जस्ट ट्राई टू रन इट अगेन, ये एरर शो कर रहा है. चलिए कोई बात नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलन डाल देता हूँ, कोई मैंने स्टार्ट एंड पॉइंट नहीं दिया है. नाउ सी व्हाट हैपेंस. सो यू सी हियर कि ये स्टार्ट कर रहा है यहां से जीरो से और अप टू एंड वैल्यू तक ये जा रहा है, राइट. तो मतलब पूरे डेटा को डिस्प्ले करना है. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि मैंने सिर्फ कोलन स्पेसिफाई किया है, रेंज ऑपरेटर मैंने यहां पे ले लिया, इन जनरल वी कैन से इट इज रेंज, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट हमने कोई वैल्यू नहीं डाला. तो बाय डिफॉल्ट ये जो इसकी पोजीशन है इट बिकम्स जीरो एंड ये जो पोजीशन है इट बिकम्स व्हाट इट्स एंड पॉइंट. सो बोलने का मतलब ये है कि ये क्या है हमारा, ये पोजीशन क्या हो गया हमारा, स्टार्ट हो गया दैट इज जीरो बाय डिफॉल्ट एंड दिस बिकम्स व्हाट योर, यहां पे जो लिया है हमने ये क्या हो जाता है हमारा, दिस बिकम्स योर एंड वैल्यू, राइट. सो दिस बिकम्स योर एंड, क्लियर. सो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं लेट सपोज 4 और मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया क्या 7. सो इसका मतलब 4 0 1 2 3 4 दैट इज माई 4 5 6 एंड दिस इज माई 7. तो 4 5 6 ये तीन वैल्यूज को ये एक्सट्रैक्ट करेगा, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड बिकॉज ये माइनस करेगा उसको. सो व्हाट आई डू, मैं इसको रन करता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो अभी आप देखो इट इज शोइंग यू 1 2 5. सो 1 2 5 मींस दिस इज योर 1 2 5, दिस इज 4 5 एंड 6. तो इस इंडेक्स वैल्यू को ले रहा है. सो हमने स्टार्ट एंड एंड पॉइंट कर दिया. नाउ इफ आई टू ट्राई टू स्लाइस लाइक इन दिस वे 4 to 10, लेट्स सी. सो अभी हम देखते हैं तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू शो और एक्सट्रैक्ट अल्टरनेट वैल्यूज. सो मैं यहां पे स्टेप कर देता हूं बाई 2. नाउ यू ट्राई टू रन इट नाउ, तो यू कैन सी हियर इट इज शोइंग यू 1 5 एंड 8. चलिए चेक करते हैं. सो दिस इज माई 1 4th पोजिशन, देन 5 एंड 10 8. तो ये अल्टरनेट वैल्यूज हमारी इसके हेल्प से आ रही है. सो इफ यू आर नॉट मैंशनिंग इट, सो इसका मतलब ये हो रहा है कि डिफॉल्ट बाई 1 जम्प करता है. अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 3rd वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज दैट कि अगर मैं यहां पर फिर से इसे वापस ले लेता हूं और मैंने बोला कि अब हम रिवर्स इंडेक्सिंग करते हैं, मींस माइनस के हिसाब से देखते हैं. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज माई माइनस 1. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम माइनस 1 अप टू माइनस लेट सपोज 5, देन सी व्हाट हैपेंस. तो अब हम इसे रन करके देखते हैं. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं. एक्चुअली मैं यहां पे मिस्टेक क्या कर रहा हूं, मैंने बोला माइनस 1 2 3 4 5 माइनस 5, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन होगा तो वो तो हमेशा फॉरवर्ड ही होगा ना. तो मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं रिवर्स ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट करने की. सो वो नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट पे वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि स्टार्ट ये ले लेगा लेकिन उसे एंड पॉइंट इस तरफ कुछ नहीं मिलेगा. दैट्स वाई वी हैव टू डू व्हाट, मैं यहां पे लिखूंगा माइनस 5 से शुरू करो अप टू यहां पे माइनस 1 करो. नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, यू विल सी कि इट इज शोइंग यू 7 8 9 एंड 23. यू जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट, 7 8 9 एंड 23, दिस इज योर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 5, दिस इज माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 2. सो इट इज शोइंग ऑल दिस 4 मेंबर्स बिकॉज इट स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस 5 अप टू माइनस 1, मतलब उसके पहले माइनस 2 तक. सो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट और स्लाइस वैल्यूज ऑफ एरे यूजिंग व्हाट नेगेटिव इंडेक्सिंग. बट यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैं माइनस 1 से शुरू करके माइनस 5 तक अगर इसको करूंगा तो दैट विल नॉट बी द राइट वे, बिकॉज जो जंपिंग होती है, जो काउंटिंग होती है जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता. ऑल द इंडेक्सिंग रिवर्स हो सकता. सो आपको यहां पर माइनस 5 से स्टार्ट करना है देन माइनस 1 तक जाना है. इफ आई टेक इट एज माइनस लाइक 3 और इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं, सपोज दैट मैंने इसको ले लिया है क्या माइनस 9, देन सी व्हाट हैपन. नाउ ट्राई टू रन इट. सो यू सी हियर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 1 2 5 7 8. सो इट का मतलब ये हो रहा है माइनस 9, दिस इज माई माइनस 9, माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 3 2 मतलब जो भी है, तो ये 8 तक जा रहा है. 9 8 7 6 5 4 3, तो ये हो जा रहा है, ठीक है. सो ये वैल्यूज को ये एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन स्लाइस एरेज इन पाइथन प्रोग्रामिंग. और यहां पे कोई आपको मैनिपुलेशन या
कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि ये जो मैंने इंडेक्सिंग आपको बताई है यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर आपको पता है तो फिर आप प्रॉपरली वर्कआउट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन आई मीन स्लाइस डेटा। अभी मैंने इसको डायरेक्ट डिस्प्ले किया है, आप चाहें तो इसे सीधे ये भी कर सकते हैं कि आप एक नॉर्मल वेरिएबल ले लो, लाइक एक्स मैंने लिया एंड इक्वल टू अगर मैं कर देता हूं ए, एंड इसके बाद में आप अगर इंडेक्सिंग करते हैं 3 सपोज मैंने लिया 7, इतनी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके इस डिफॉल्ट एक्स में स्टोर कर दो एंड देन यू कैन डिस्प्ले इट लाइक फॉर आई इन रेंज, या सिंपली यू कैन डिस्प्ले व्हाट प्रिंट एक्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैंने यहां पे कर दिया प्रिंट एक्स, अभी हम देखते हैं क्या होता है। ट्राई टू रन इट। सो यू कैन सी ये डिफॉल्ट एरे लिया, इसमें इसने जो स्टोर किया है दैट इज 7.25, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज माई 7, इट इज इंडेक्स नंबर 3, 1, 2, 5, 3, 4 देन 5 एंड 6, इनको चारों वैल्यूज को इसने एक्सट्रैक्ट किया और एक्स में डाल दिया। सो इस तरह से हम स्लाइस करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी और एरे में मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग ऑफ एरे इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।